ओम शांति शांति शांति। जहां पवित्रता वहां शांति, चाहिए सबको शांति। पर शांति का सही मायने में परिचय नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म है शांति। तो गले में है हार, बाहर नहीं ढूंढना है। बाबा शांति का सागर, शांति का परिचय देते हैं, पवित्रता सिखाते हैं, पावन बनाते हैं। तो शांति हमारे पास है। फिर जिनका शुरू शुरू का पाठ है और बाकी की आत्माएं जो बाद में आती है वो निर्वाण धाम में ही रहते हैं। बाबा ने अपना पाठ भी बताया, सूक्ष्म तन के बारे में भी बताया, छाया माया की छाया चारों तरफ का वातावरण तो आजकल ऐसे ही बना हुआ है। बहुत तेज है ये सब। अभी ये वाला प्रभाव बहुत तेज हुआ है। जिसको देखो, जिसको सुनो, इधर ये है, उधर वो है, उधर ये है। क्योंकि सब इस समय दूसरी चीजों का आधार ज्यादा ले रहे हैं। अपनी भावनाएं, भाव, शुद्धता, शुभ भावना, शुभ कामना, इसका आधार छोड़ गलत गलत चीजों का आधार लेकर अपनी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या अपना कार्य निकालना चाहते हैं। तो ये सब चीजों में फिर उनके जो कारोबार है उनके तो बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जो दूसरे इन सब चीजों को जानते हैं, जो नहीं जानते, जो कमजोर है, तो फिर बड़ी सारी चीजों में अभी ऐसा, क्योंकि तामसिकता बहुत है, तमो प्रधानता बहुत है, तो गंदगी ज्यादा होने की वजह से चारों तरफ इन सब चीजों का प्रभाव भी ज्यादा है। क्योंकि ये सब चीजें होती भी तब है जब शुद्धता नहीं होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी होती है, तो ये बहुत इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जब शुद्धता होती है तो इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। ओम शांति।